खांसी जुखाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्याएं। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुखाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुखाम के रामबाण ये घरेलू नुस्खे। शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण, आधा चम्मच शहद में चुटकी भर इलायची पाउडर डालिए और कुछ नींबू के रस की बूंदे डालिए। इस मिश्रण का दिन में 2 बार सेवन करें, आपको खांसी जुखाम से काफी राहत मिलेगी। हल्दी वाला दूध जुखाम में काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुखाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। अदरक भी सर्दी, जुखाम और खांसी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अदरक को छोटे टुकड़े में काटे और उसमें नमक डालिए, इसे खा लें। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। सर्दी जुखाम के लिए लहसुन भी काफ़ी फायदेमंद होता है। लहसुन को घी में भून लें और गरम गरम ही खा लें। ये स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। अगर हम मसाले वाली चाय पिएं तो हमें सर्दी जुखाम जैसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मसाले वाली चाय, अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुखाम में काफ़ी राहत मिलती है। अदरक तुलसी, अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है, इससे भी सर्दी जुखाम और बुखार जैसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। काली मिर्च हमारी सर्दी जुखाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। अगर खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा और सर्दी जुखाम से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।